बैक वंस अगेन, आपको आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कैप्टन प्रकाश। तो आज शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की। आज हमारा प्लान जो कल की चीजें रह गई थी वो है। आज हम आए और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चर्च से। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? चर्च से। तो ये कौन सा चर्च है, कौन बताएगा? इसको नहीं पता है। इस चर्च में हालांकि हम आते रहते हैं, जब आप मैक्लोडगंज के रास्ते में जाते हैं तो ये चर्च पड़ता है बीच रास्ते में। ये चर्च जितना मुझे पता है अंग्रेजों के ज़माने का बना है। आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी फिलहाल आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। अगर आपको आना है ना आना है तब भी आएँ, क्योंकि आना ज़रूरी है। मैक्लोडगंज बहुत ही पास पड़ता है, सामने ही मैक्लोडगंज की मार्केट है। और फिर उसके बाद हमारा प्लान है थोड़ा शॉपिंग और उसके बाद भाग सुना जाएंगे। आप देख सकते हैं किधर आया। ओ छोटा ब्लॉगर, गाइस आप देख सकते हैं, बोला हम किधर आए हैं, हम नहीं बताएंगे हम किधर आए हैं। और देखिए गाइस कितनी सारी ट्रीज है। हाँ कितनी सारी ट्रीज है। ओ भाई भाई गाइडों आप देख सकते हैं हम किधर आया, और देखो कितनी लंबी लंबी ट्रीज है। सर हाल है ये गाइस टैग लगे गाइस भाई छोटा भाई। तो गाइस ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो बच्चों के साथ मस्ती करनी थी, पिक्चर्स लेनी थी, हमने ले ली है। और जैसे कि आप सबको पता है हम वो किधर जाना है, और आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेके जाएंगे एकदम मंत्रमुग्ध इंजॉयमेंट। सो भाई साहब अभी हम पी रहे हैं जूस, और अगर आप इस चर्च पर आ रहे हैं चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस, तो यहाँ की वाइल्डनेस को इंजॉय करने के लिए, इंजॉय करने के बाद यहाँ पे है आपको ब्लैक मैजिक। मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भागसुनाग, और दृश्य बहुत ही अच्छा है, और पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बट स्टिल हम मारेंगे जंप और गोप्रो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से मैं मस्त अंतर्मुग्ध होकर के। सो सॉरी टू इंटरप्ट कि हमें पता नहीं था यहाँ पर बोर्ड लगा है कि कोविड के कारण यू आर नॉट अलाउड टू स्विम। तो इसलिए आप जो दृश्य में दिखाना चाह रहा था सुनो, देख नहीं पाए, पर स्टिल शावर ले लिया है मस्त आनंद। और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर है भागसुनाग मंदिर ऊपर, उसकी लेकर के आनंद आ गया कहते हैं। और बच्चा पब्लिक क्या खा रही है, बच्चा पब्लिक पॉपकॉर्न खा रही है बच्चा। फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा चालू करेंगे भागसुनाग के लिए। देखो भाभी जी का क्या कहना है, भाभी जी आप क्या कहना चाहती हैं? स्वाति क्यों मना कर रही थी? स्वाति मना कर रही थी कि आकाश तू जाके हिमाचल में जगह जगह मुंह मारेगा। सो गाइस हम लोगों को वहां पर जाना है, और छोटे छोटे बच्चा लोग यहाँ साइड में खाई है, लोग नहा वहा रहे, हम भी नहाएंगे थोड़ी देर में, सेकंड साहब को भी नहलाएंगे। और ये रास्ता है, रास्ता अच्छा बन गया है, जब अपन लोग पहले आते थे तब रास्ता ऐसा नहीं था, और अभी वेल मेंटेन्ड रास्ता है। और ऊपर भी जाएंगे शिवा कैफे में, वहाँ पर जाके मस्त मस्त पिक्स भी लेनी है हमने। चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो भाई साहब सांस चढ़ पड़ी है, और छेलू बढ़ना लाया है तू लग गया था, ठीक है ना तू? हैं? हाँ ठीक है भैया। फिर यहाँ ऊपर आते हुए ये सबसे अच्छा है कि कचरे में डालें कचरा, और किस प्रकार से इन्होंने स्टोर किया है देख सकते हैं, प्लास्टिक्स बहुत ही बेहतरीन। लुक फॉर अ चेंज, बाप बनना भी कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बापू ने पकड़ा हुआ है पुत्र को, और हम ऑलमोस्ट भागसुनाग पहुंच चुके हैं, जो हमारा लक्ष्य था हम उसको अटेन करने वाले हैं, और हम फिलहाल बहुत ही बहुत खुश हैं। आकाश चाचू को बताने शादी करेगा, इधर 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 बताओ चाचू को शादी करोगे? अच्छा शादी करोगे? खाने में बोल देना, बताओ करोगे? अभी तो बताया आपने करोगे पुत्तू,
शादी करोगे? करेगा। कितनी लड़कियां चाहिए थी? सब पहुंच चुके हैं भागसुनाग वाटरफॉल। खुशी हो? तेरी आना है नहीं? फोटो तीजो लेनी पड़नी है। ये तो वीडियो है। ओए गिरते मत। सेकंड साहब अब उस रूप में आ गए हैं जिस रूप में मैं इनको चाहता था। मुबारकपुर ऊना का आदमी नहीं रहा ये, अब रह गया मनाली कुल्लू और लाड़ी भी संजोग के साथ। नीचे बैठ। मैंने लेते 1.5 लाख का हाथ वे। तो अभी यहाँ से हम कर रहे हैं डिपार्चर अपना, और यहाँ पर भी साइन दिया गया है कि आप स्विमिंग ना करें बिकॉज हर साल बहुत सारी मृत्यु होती है इसके कारण। तो अपनी पब्लिक कहाँ बैठी है? अपनी पब्लिक बैठी है इधर मस्त में। छोटू मस्त नज़ारे। चलो चलो गाइस लेट्स गो टू भागसुनाग। तो हेलो गाइस मैं नंगा ब्लॉग। ओके गाइस चलते हम जा रहे हैं शिवा कैफे और मैं आपको वाटरफॉल का नजारा आप बता दे। तो वहां पर वाटरफॉल गाइस और वो वाटरफॉल गाइस बहुत मस्त है। बहुत देखिए गाइस बहुत बहुत मस्त है गाइस बहुत। तो चलिए गाइस अब हम चलते आगे। हम लोग जा रहे हैं अभी शिवा कैफे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं शिवा कैफे। तो चलते हैं शिवा कैफे और आपको भी दिखाएंगे शिवा कैफे और शॉपिंग भी करते हैं मैं तो। सो शिवा कैफे जाने के लिए ये सीधा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है वाटरफॉल, और बस वहीं से शिवा कैफे के लिए ऊपर रोड निकलता है। तो हम छोटा पब्लिक शिवा कैफे जाते हुए, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस चढ़ाई है। और हमारे साथ हैं 3 छोटे मोटे बच्चे जिनके साथ हम मज़े मारते हुए, और ये चले हैं सेकंड साहब वाइफ और अमन। गाइस तो हम शॉपिंग करेंगे, बड़ी मजा आएगा मेरे को गाइस। तो मैं चल के रहा हूँ इधर, ये तो मैं गिर गया ना तो सीधा आप देख पा रहे हो नहीं खाई है गिर जाए ना मैं। तो गाइस ऊपर चलते हैं देना। तो गाइस जैसे सब हम जाएंगे ना वहाँ मेरे भी अगर नाम भी सी भाई है ये बड़ा मजा आ रहा है। मैं इस ब्लॉग का मिस करना मैं। सो गाइस ऑलमोस्ट शिवा कैफे पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल का जो ऊपर का रीजन है वहाँ पर एक कैफे बनाया गया है, और वहाँ की जो कलाकारी है ना पूरा इन्होंने शिवा का थीम रख करके बहुत ही बेहतरीन बनाया। पाजी जस्ट रिच शिवा कैफे, और यहाँ का माहौल जैसे ही आप एंट्री करते हैं वो रहे नाग देवता। और छोटा सा पुल बनाया है, बंद करके रखा है क्योंकि क्या बोलते हैं चल रहा है कोविड के कारण, और वेल मेंटेन्ड बहुत ही मस्त है। अब पाजी बैठे हैं अपने भवन पाजी हेतु। ओ कल की जो आइस क्रीम थी अभी तक यहाँ पर है, स्ट्रांग हो गई। ओ
सब पाजी यहाँ पर मस्त गद्दा बिछा के हम सब बैठे हैं और अभी सेकंड साहब जी ऑर्डर करने वाले हैं और यहाँ हो चुकी लड़ाई चालू। तांडव अभी मच रहा है मस्त में, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, फैमिली फैमिली कैफे आल्सो यू कैन से, वेल मेंटेन्ड है, मस्त माहौल है, एकदम मज़ा आ रहा है। और जो आपने खाया वो कैसा लगा शिवी कैफे में? बहुत अच्छा। क्या खाया आप लोगों ने बता दो। अच्छा सो हाँ गाइस, शिवा कैफे का ये बताना चाहता हूँ कि जेन्युइन प्राइस था एंड वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं बहुत चीज़ें, वेस्टर्न फूड आल्सो एंड वी हैड अ नाइस टाइम ओवर देयर। अपने पीछे पब्लिक आते हुए क्यों तो ये है भागसू की एकदम शॉप, एकदम यहाँ ही पर सामने हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और यहाँ पे जहाँ पर हमने स्विमिंग की थी ये वो पॉइंट है और भागसू वाटरफॉल वहाँ पर पड़ा और अभी हम गाड़ी के लिए कुछ लेने वाले हैं शायद। The next day. आज हमारा डलने वाला है लेंटर और आज का शुभ कार्यक्रम मामी मामा जी एरे और माता श्री फायर ऊपर है। डलने वाला है और चढ़ावा चढ़ाते हैं जैसे कि हमारी रीत है। मामी जी खड़ी है यहाँ पर अपनी पूजा तो सिर के पास से बना देना। आपने कंडी से दो कर दो तीन कंडी डाल दो ना इसमें डाल दे दो वीडियो। तो हेलो गाइस, आज हम यहाँ चले काम और हम बना रहे ब्लॉग। वो छोटू देखो किस प्रकार से काम कर रहा है, बड़ी सटीक नॉलेज है इसको। तो यहाँ से सीमेंट वगैरह डाल करके मिक्स कर करके छोटू रोटेट करके ये जो लिफ्ट प्रकार से है उसको ऊपर सामान भजाया जा रहा है और ये काम कर रहा है अपना छोटू। सो लेंटर जो बनाना था बन गया है, मामी बुआ सारे खड़े हुए हैं। आपको भी मुबारक है। ओ छोटू दिया कने अब चली पेस है मामा दे आल।